मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ले पंगा कबड्डी 2019 शुरू हो रहा है आज से और कब और किसके खिलाफ होंगे सारे मैच। इंडियन प्रीमियर लीग के बाद देश की दूसरी सबसे महंगी लीग प्रो कबड्डी लीग शनिवार को अपने सातवें सत्र को शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उद्घाटन मैच की पूर्व संध्या पर पीकेआई के सभी 12 कप्तान सातवें सत्र के लिए अपनी योजनाओं एवं रणनीतियों को व्यक्त करने के लिए एक साथ है। एक इवेंट में जहां गत चैंपियन बेंगलुरु बुल्स के कप्तान रोहित कुमार ने एक नए सत्र के लिए ट्रॉफी वापस रखी, वहीं 12 कप्तान अपनी रणनीतियों और योजनाओं के बारे में आश्वस्त लग रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी व्यक्त किया कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। नए सत्र पर बात करते हुए तमिल थलाईवास के कप्तान अजय ठाकुर ने कहा कि वो साबित करेंगे कि पिछले सत्र की तुलना में ये बहुत बेहतर टीम है, क्योंकि राहुल चौधरी, जिन्हें रेड मशीन कहा जाता है, वो उनकी टीम में है। ठाकुर ने कहा, राहुल और मैं पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए एक साथ खेल रहे हैं और हम एक शानदार केमिस्ट्री साझा करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हम दोनों PKL में एक साथ दिखाई देंगे। मेरा मानना है कि ये हमारे प्रशंसकों के लिए शानदार होने वाला है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कड़ी मेहनत से अच्छा परिणाम मिलता है और हम अपनी टीम की सफलता के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तेलुगु टाइटंस के कप्तान अबोजर मोहज मिर्गानी ने कहा, हमारी टीम मजबूत हमलावरी, एक मजबूत रक्षा पंक्ति और कुछ अच्छे कोचों से बनी है। आप हमें प्रतियोगिता में सबसे मजबूत टीम कह सकते हैं। हमारे खिलाड़ी फिट हैं और टूर्नामेंट के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हम एक समय में एक मैच जीतने का लक्ष्य रखते हैं। यू मुंबा के कप्तान फजल अतरचली ने कहा, हमने पिछले सत्र में कड़ी टक्कर दी थी और हम इस वर्ष भी ऐसा ही करते रहेंगे। इस सत्र में हमारे साथ युवा खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने बेहतरीन समर्पण किया है और वादा निभाया है। जयपुर पिंक पैंथर्स के कप्तान दीपक हुड्डा ने कहा, हमारे पास इस साल हमारी टीम में 8 से 9 युवा खिलाड़ी हैं और नई प्रतिभा निश्चित रूप से कुछ ऊर्जा लाएगी और टीम को मैच जीतने में मदद करेगी। इस बहुत कठिन अभ्यास कर रहे और युवाओं ने सही इरादा दिखाया है और इस स्तर पर खेल खेलने के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। पीकेएल के पहले 5 सत्रों में दिल्ली दबंग का शानदार प्रदर्शन नहीं हो सका था, लेकिन पिछले सत्र में वे काफी खराब साबित हुए थे और उनके कप्तान जोगिंदर नरवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया है और इस बार उनका प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। जोगिंदर ने कहा, पिछले सत्र में हमारा प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक था और टीम पिछले 1.5 महीने में एक ही ऊर्जा और जुनून के साथ प्रशिक्षण ले रही है। पिछले सत्र में हमारे पास एकमात्र जगह थी जो हमारे बचाव में थी और हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। पिछले साल हमने इस सेमीफाइनल के लिए सभी तरह से बनाया और इस साल हम इस फाइनल में लाने की उम्मीद करते हैं। इसी बीच नव नियुक्त पुनेरी पल्टन के कप्तान सुरजीत सिंह ने कहा, हमारे पास इस सीजन में सीनियर और युवा दोनों खिलाड़ियों का बहुत अच्छा संयोजन है और हमें एक बहुत मजबूत टीम बनाता है, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन प्रतिभा है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने कौशल और तकनीकों पर अभ्यास किया है और हम मैच पर सर्वश्रेष्ठ देंगे। गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के कप्तान सुनील कुमार ने कहा, इस सत्र में पिछले सत्र की तरह हमें बहुत सी नई युवा प्रतिभाएं मिली हैं।